अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है लेक्चर सेकंड आज स्टार्ट है। फर्स्ट लेक्चर हमने कुछ दिनों पहले जो है वो किया था। तो अब देखे, इसमें हमारे पास हम कोर्स स्टार्ट किया था हमने एमएस वर्ड का, जिसमें हमने कुछ आउटलाइन के मुताबिक जो है वो कोर्स किया स्टार्ट किया था। ठीक है, इसी के मुताबिक हम करेंगे ताकि हम, अब वैसे तो बंदा सारा जो है वन बाय वन देखे तो हो जाता है, लेकिन कुछ एग्जैक्ट चीज़ का जो है वो रह जाती है कि इसमें क्या कैसे जो है करना है, लाइक फॉर्मेट वगैरह मैनेज टेबल्स इस तरह का काम जो है वो रह जाता है। तो क्या है कि हम इसी आउटलाइन के थ्रू अपना कवर कवर करेंगे कोर्स। अब आज की जो आउटलाइन है हमारी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ है, जिसमें हम टेक्स्ट की फॉर्मेट देखेंगे, उस पैराग्राफ के ऊपर कैसे उसके लेआउट बनाया जाता है, उसको उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकली आपको जो है वो करके दिखाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने काम को। तो ये फाइल एमएस वर्ड जो है वो कैसे ओपन करते हैं, उसको रन कैसे करते हैं, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट में देख लें। तो देखें इसमें सबसे पहले तो इस तरह का व्यू अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस व्यू को कैसे आप दूसरे व्यू में, रिबन व्यू में जा सकते हैं। तो ये होम टैब है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके रिबन व्यू आ जाए। इस पे बैक क्लिक करते हो तो आपके पास हाइड हो जाता है, हाइड ऑन हाइड वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। तो चलिए हम अपना जो है काम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक पैरा लिया है, ठीक है, पैराग्राफ लिया है, उसको हम कर लेते हैं पेस्ट। मैंने पहले से लिखा होगा, टाइम जो है वो ज़्यादा ना हो हमें लिखने में, ठीक है, आपने खुद लिखना है। तो इस तरह, अच्छा, अब सबसे पहले क्या है कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होती है। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है कि आप जो टेक्स्ट पर फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहे हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाके यहाँ पे आपका फॉन्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसका स्टाइल वगैरह, थीम फॉन्ट की, और उसके बाद जो आपने फॉन्ट का डिजाइन वगैरह होता है स्टाइल, उसको चेंज कर सकते, लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। तो उसके नेक्स्ट बस साइज होता है, यहाँ से भी अपना फॉन्ट साइज जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और ये आपके पास है एक साइज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ओनली फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए ये हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके हेल्प से आप जितना मर्जी फॉन्ट का साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और ये होता है डिक्रीज साइज करना, इससे आप फॉन्ट का साइज जो है वो डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये तो देखिए आपको एक एग्जैक्ट 72 तक इसका साइज लेके जाता है, लेकिन 72 से अबव आप जानना चाह रहे हो तो आप इंक्रीज फॉन्ट साइज को जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है चेंज केस। इसमें क्या होता है, आपके केस जो है वो चेंज हो जाता है, आप उसको लोअर में करना चाह रहे हैं, उसके टॉगल बना केस में करना चाह रहे हैं, अपर में करना चाह रहे हैं, जिसमें भी करना चाह रहे हैं, ये उसके लिए, उस पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। इस ये भी फॉर्मेटिंग में ही शामिल है। तो अगर देखें फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपनी फर्स्ट लाइन, और इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको जो है क्लियरली नजर आ जाए। हम 22 पे रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हमने करना है, हमने सिंटैक्स केस में, करेंगे तो ऑलवेज पहले ये जो है अपने सिंटैक्स में एक बना हुआ है, तो इसलिए ये कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो हम इसको सिंटैक्स केस से जा रहे हैं लोअर केस में। लोअर केस में देखें तो ये सी जो था वो कैपिटल था, और अब ये स्मॉल हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें अपर केस जो है और टोटली जो है वो सारे अपर केस हो जाए, तो देन देखें टोटली जो है अपर केस में, मतलब आप किसी भी तरह का जो है वो केस यूज कर सकते हो इसमें। उस पर एक बार टॉगल भी आप देखें ये कर सकते हो, ठीक है, दिस, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मेट है टेक्स्ट का, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो जैसे अपनी मर्जी हो। और नेक्स्ट आपके पास आता है इसका फॉर्मेट क्लियर करने के लिए, ठीक है। आपको ने जो भी फॉर्मेट लगाया हुआ उसका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं, आप कहते हैं कि सबका फॉर्मेट खत्म करके उसको एक ही फॉर्मेट में जो है वो लिखा जाए। तो फॉर्मेट को खत्म करने के लिए यहाँ पे आपको एक इसका आइकॉन नजर आता है ए, और उसके ऊपर आई थिंक रेस से बनी हुई है, ठीक है। जैसे ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो इसका ऑल फॉर्मेट जो है इस टेक्स्ट पे साइज वगैरह हमने जो इंक्रीज किया था, उसकी हाइट लेंथ जो भी बनाया था वो सब जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे, ये देखें आ रहा है आपके पास कलर करना, ठीक है, लास्ट
असाइनमेंट आपकी थी तो आपने कवर किया होगा या इस चीज का आपको पता होगा। ठीक है, आगे आगे देखिए हमारे पास आ रहा है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में हम कैसे उसको सेंट्रलाइज करते हैं, उसके अलाइन क्या होते हैं, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें आपने जिस पैराग्राफ को फॉर्मेट की सूरत में लेके आना है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद क्या होता है कि आप इसमें बुल्स वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, बुल्स लाइक ये देखे ना, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इस लाइन को जो है सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको लगा रहे हैं बुल्ड लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो होगा, जैसे ही आप एंटर करते जाओगे ये न्यू बुल्स जो है वो बनती जाएंगे। ये देखें, लाइक ये ठीक हो गया। इस तरह न्यू बुल्स जो चाहे आप वो बन जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास इसी को आप बुल्स की जगह पे नंबर भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। टोटली एक लिस्ट भी बन जाती है। लिस्ट कैसे बनती है वो आपके पास ये है, ये एक आप कह सकते हो लाइब्रेरी। ठीक है, लिस्ट बन जाती है और करंट लिस्ट जैसे भी आप बनाना चाह रहे हो इसकी हेल्प से बनती है। जब आप आर्टिकल वगैरह लिखते हो ना उसके लिए यूज होती है। ठीक है, टोटली एक लिस्ट भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसको बना के देखते हैं। ये देखें, फर्स्ट वन तो इसके बन गया, नेक्स्ट ये वन वन जो है इसकी लिस्ट में शामिल हो गया है। इसको मैं बैक करूंगी कि अब हमने नेक्स्ट चॉइस का करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आता है कि इसको आपने अलाइन कैसे करना है। आप क्या होता है कि इसको राइट अलाइन भी कर सकते हो। ये देखें, ये है आपके पास सेंटर अलाइन, ये बिल्कुल सेंटर में है, इधर से उधर से दोनों स्पेस जो है वो बराबर है। ये आपके पास आता है लेफ्ट अलाइन और ये आपके पास आ जाता है फ्रंट, मतलब राइट पे आ जाता है। ठीक है, ये राइट लेफ्ट आपकी मर्जी, अपना जैसे भी आप इसको करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है इसका साइज इंक्रीज होता है, स्पेस जो है लाइन की वो इंक्रीज हो जाती है। लाइन स्पेस ऑप्शन भी अगर देखो तो यहाँ पे हम खुद भी उसको बता सकते हैं कि इतने पीटी जो है आगे होना चाहिए, लेफ्ट पे इतना होना चाहिए, राइट पे इतना चाहिए, तो इस तरह खुद भी मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखें तो हमें मैनेज हुआ मिल जाता है। ये देखें, नॉर्मली तो जो होता है वो 1.5 ही होता है, लेकिन हम इससे ज्यादा भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, इनके दरमियान जो फासला होता है वो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है आपके पास शेड। शेड क्या होता है, लाइक आपने जितना पैराग्राफ है इसकी बैक शेड अपने जो उसको कलर देना चाह रहे हो या कलर के बगैर रखना चाह रहे हो तो वो भी आपकी यहाँ पे मर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है बॉर्डर। बॉर्डर में क्या होता है कि बॉटम बॉर्डर, साइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, लाइक ये देखे इस तरह कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का, नेक्स्ट इंशाल्लाह।